आज है हमारा लेक्चर नंबर फोर ऑन सरफेस एरिया एंड वोल जो कि आपकी एन का यूनिट नंबर थर्टीन है और हम उसमें आज एक्सरसाइज नंबर का जो क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं हेमी डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द दफियर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब डिटरमाइन द सर्फेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ए हेमी डिप्रेशन इज कट हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास एक क्यूब है जो कि वुडन का है तो उसमें से हमने एक हेमी डिप्रेशन किया है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि इस तरह का पोर्शन हमने निकाला है इस क्यूब में ठीक है सच दैट द डाया मीटर एल ऑफ द हेमी इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब जो इस डाया मीटर की जो टोटल लेंगे है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी टोटल लेंगे थे दैट इज़ एल अगर हम यहाँ फिगर में देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि डाया मीटर ऑफ हेमी है जो कि हमने इसमें कट किया है इसकी जो टोटल लेंगे थे दैट इज़ एल लेकिन अगर हम दूसरे साइड से देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रही है दैट इज द देंग्थ ऑफ दिस एज जो कि क्यूब की जो लेंग्थ है दैट इज आल्सो इक्वल टू द लेंग्थ ऑफ द हेमी जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि सच दैट डायामीटर एल ऑफ द हेमी सेफियर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब यानी जो क्यूब की जो एज की लेंग्थ है यानी साइड की जो लेंग्थ है दैट इज आल्सो इक्वल टू देंगत ऑफ दिस डाया मीटर ऑफ दिस हेमी सफियर इसका मतलब जो इस क्यूब की लेंगत होगी दैट इज़ एल ब्रेड जो होगी दैट इज़ आल्सो एल और जो लेंगत इसकी हाइट होगी दैट इज़ ऑल्सो एल तो अब हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड यहां पे जो अब ये सॉलिड रह गया जिसमें से हमने ये येमीसेफेरिकल पोर्शन निकाला है तो इसकी जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितनी है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा चले जी, इस क्वेश्चन का हम लिख लेते हैं सोल्यूशन तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है गिवन में हमें दिया हुआ है कि जो हेमिसफियर का जो डायामीटर है दैट इज इक्वल टू एल हम वही लिखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा सोलूशन में मैंने लिखा डायामीटर ऑफ हेमी जो कि हमारे पास हेमी है उस का जो डाया है दैट इज इक्वल टू एल जो कि हमें गिवन दिया हुआ है तो यहाँ डाया से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं तो मैंने वही लिखा रेडियस ऑफ हेमी दैट इज इक्वल टू डाया डिवाइडेड बाय टू डाया हमारे पास कितना है एल तो इसी को हमें डिवाइडेड बाई टू करना है ये बन जाती है हमारी रेडियस ऑफ हेमी तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हम वही लिखेंगे दियर मैंने क्या लिखा मैंने लिखा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिसफियर दैट इज इक्वल टू टू पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस कून दैट इज इक्वल टू सिक्स ए स्क्वायर ए का मतलब होता है कि इसके जो साइड की लेंथ है उसी का स्क्वायर लेना इस टाइम अगर हम देखेंगे जो इसकी एज की जो लेंथ है दैट इज एल तो यहां पे आएगा एल स्क्वायर लेकिन यहां पे जो हमारे पास क्यूब था इसके जो छह फेसेस थे छह फेसिस में से इसका जो ऊपर वाला फेस था जहाँ से हमने इस हेमी को निकाला है वो वाला जो फेस है वो इसमें से माइनस हुआ है लेकिन मतलब वो वाला फेस हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि वो वाला फेस जो है वो इस हेमी के साथ बाहर निकला तो वो वाला साइड हम माइनस करेंगे लेकिन जो पोर्शन बाहर निकला उसकी जो शेप है दैट इज़ सर्कुलर और सर्कुलर चीज़ को जब हम एरिया निकालते हैं उसके लिए जो फार्मूला लगती है दैट इज़ पाई आर स्क्वेयर अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा बहुत आसान बनाएंगे यहाँ पे है टू पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे है पाई आर स्क्यर मतलब यहाँ पे है वन पाई आर स्क्वायर और टू पाई आर स्क्वायर में से जब हम माइनस वन पाई आर स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे हमें बचता है वन पाई आर स्क्वेयर दैट इज इग्वल टू पाई आर स्क्वेयर प्लस यहाँ पे हमारा सिक्स एल स्क्र यहाँ तक समझ में आ गया अब यहाँ पे आप वैल्यू दीजिए यहाँ पे हमारे पास पाई की जगह हम पाई ही लिखेंगे यहाँ पे है रेडियस रेडियस किसकी है हैफियर की तो रेडियस ऑफ हेमीसेफियर दैट इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय टू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एल डिवाइडेड बाय टू लेकिन यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर लेना है इसीलिए मैं यहाँ पे टू ले लेता हूँ फिर प्लस है सिक्स एल स्क् नेक्स्ट पर हम क्या करेंगे पाई को इसी तरह लिखेंगे तो एल स्क्वायर का मतलब होता है एल तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में एल लेता हूँ और डिवाइडेड में टू स्क्र मतलब होता है टू इंटू टू दैट इज इक्वल टू फोर फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा अब हम पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे यहाँ पे वन होता है ठीक है अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पाई एल स्क्न दैट इज इक्वल टू पाई एल स्क् फिर प्लस का साइन है

ट्वेंटी फोर है और डिवाइडेड बाय में जो फोर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो ये फोर है इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये वन बाई फोर आ जाएगा फिर एल स्क्वेयर है हमारा और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा फाइव प्लस ट्वेंटी फोर और यही है हमारा इस क्वेश्चन नंबर फाइव का सोलूशन चले जी अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू ईच ऑफ इट्स सी फिगर थर्टीन पॉइंट टेन द लेंग ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज फोर्टीन एम एम एंड द डाया हमारे पास इस टाइम एक मेडिसिन कैप्सूल गिवन दिया हुआ है जिसकी जो शेप है दैट इज सेलेंड्रिकल इन मिडल पोर्शन यानी बीच में जो है इसकी जो शेप है दैट इज सलेंड्रिकल पोर्शन जो कि यहां पे मैंने बना दिया है कि ये जो बीच में है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसी सिलेंड्रिकल पार्ट को दो एंड्स पे दो सफियर्स कनेक्ट किए हैं और इसकी जो शेप है ये एक कैप्सूल टाइप की बन रही है और आपने इस टाइप के कैप्सूल बहुत सारे देखे होंगे आई थिंक कि आपने खाए भी होंगे ठीक है तो हमें अब इसी कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है फिर सरफेस एरिया ऑफ दिस ये जो हेमिसफेरिकल पोर्शन इसमें ऐड किया है इसका निकालना है और इस साइड वाला जो हेमिसेफेरिकल पोर्शन है इसका सरफेस एरिया निकालना है और इन तीन पोर्शन का सरफेस एरिया निकालने के बाद हम उनको ऐड करेंगे वहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकलेगा इस कैप्सूल का सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सोलूशन लिखेंगे सोलूशन में हम सबसे पहले इसका जो गिवन पार्ट दिया हुआ है हम वही लिखेंगे मैंने गिवन में क्या लिखा मैंने यही लिखा कि इस कैप्सूल की जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 14 एम mm एम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड डाया मीटर ऑफ कैप्सूल दैट इज इक्वल टू फाइव एम एम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डाया मीटर आ रहा है जो कि सिलेंडर का भी है जो कि इस हेमी का भी है दैट इज इक्वल टू फाइव एम एम तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ इस सलेंड्रिकल पोर्शन एंड रेडियस ऑफ दिस हेमी और दिस हेमीफियर हम यहां पे लिखेंगे रेडियस किसकी रेडियस रेडियस ऑफ सिलेंडर या हम लिखेंगे दूसरा जो है दैट इज हेमी क्योंकि इन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है क्योंकि ये दोनों स्टक किए गए हुए हैं यानी इनका जो यहाँ वाला ये जो पोर्शन है ये बराबर साइज़ का है तो इस दैट इज इक्वल्स टू डाया मीटर डिवाइडेड बाई टू डाया मीटर किसके बराबर है फाइव के बराबर डिवाइडेड बाई जो फार्मूला का टू होता है एम एम रहेगा तो ये यहाँ पे हमारी जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो है और जो रेडियस ऑफ हेमी है वो है लेकिन अगर हम देखेंगे हमें जब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज़ टू पाई आर एच टू भी हमें पता है पाई भी हमें पता है और रेडियस भी हमें पता चल चुका है लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर हमें अभी तक पता नहीं है तो हाइट हमें पहले निकालनी है उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन का जो सोलूशन है वो निकाल पाएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा मैंने लिखा हाइट ऑफ सेलेंड्रिकल पार्ट यानी जो ये सलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट है या तो आप हाइट बोलिए या तो आप लेंगत बोलिए बात एक ही है ठीक है तो ये बराबर होगा जो टोटल लेंग्थ है इस कैप्सूल की उसमें से हम माइनस करेंगे इस हेमी की हाइट और माइनस करेंगे इस हेमी की हाइट जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो हेमी की रेडियस होती है तो उसकी जो हाइट होती है वो वही होती है यानी रेडियस ऑफ हेमी सेफियर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द हेमी सेफियर सबसे पहले हमें क्या निकालना है सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो निकालनी है दैट इज इक्वल टू टोटल हाइट टोटल हाइट हमें हमारी किस कितनी है दैट इज 14 सेंटीमीटर इसमें से हम माइनस करेंगे इस वाले हेमिसफेयर की रेडियस इस वाले हेमिसफेयर की हाइट बोलेंगे या रेडियस बोलेंगे दैट इज इक्वल टू फाइव बाई टू ये है ना फाइव बाई टू रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक फाइव बाई टू है तो ये भी फाइव बाई टू ही होगी तो यहां पे मैं लिखता हूं माइनस फाइव बाई टू फिर माइनस करेंगे हम इस वाले हेमी सेफियर अगर हम ये भी माइनस करेंगे और ये भी माइनस करेंगे तो यहां पे हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर रह जाएगी तो यही मैं माइनस करूंगा फाइव बाई टू ये फाइव बाई टू एक हेमी सेफियर की हाइट है और ये फाइव बाई टू दूसरे हेमी सेफियर की हाइट है चलिए जी इसको सॉलो कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस बेस सेम पावर शुड एंड माइनस दैट इज टेन डिवाइडेड बाई टू अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ठीक है फिर इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस टू वन टू फाइव फोरस फाइव दैट इज इक्वल टू नाइन एम एम और ये जो नाइन एम एम है दैट इज दाइट ऑफ दिस सिलेंडर तो अब हम यहां से सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हम यहां पर लिखेंगे दियर फोर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हमें जो कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है हम वही लिखेंगे That is equal to surface area of this cylinder. That is equal to 2 pi r h plus surface area of this hemispherical part. That is equal to 2 pi r square plus surface area of this hemispherical part. That is 2 pi r square. ठीक है ये फार्मूलाज मैंने इंट्रोडक्शन में बताए हैं आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट फिर से देखिए आपको समझ में आ जाएगा ये फार्मूलाज़ कहाँ से मैंने लाए हैं दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पे टू पाई आर एच हम ऐसे लिखेंगे प्लस ये टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर दैट इज़ फोर टाइम्स पाई आर स्क्वायर ठीक है यहाँ पे अब हम कॉमन चीजें जो है वो उनको हम बाहर निकालेंगे देखिए जी यहाँ पे टू है तो यहाँ से भी टू आ सकता है तो यहाँ पे हमने टू निकाला यहाँ पे भी पाई है यहाँ पे भी पाई है पाई भी हमने कॉमन निकाला यहाँ पे एक आर है तो यहाँ से एक आर निकालेंगे तो आर बाहर आ जाएगा देखिए टू भी मैंने बाहर निकाला है पाई भी निकाला आर भी निकाला तो यहाँ पर क्या रह चुका है यहाँ पर एच बचा ठीक है फिर इसके बाद प्लस है तो फोर में से मैंने टू बाहर निकाला तो यहाँ पर एक टू रह गया पाई को भी मैंने यहाँ पे बाहर निकाला है तो आर में से एक आर मैंने बाहर निकाला तो एक आर यहाँ अंदर रह जाएगा ठीक है अब यहाँ पे आप इनको वैल्यू दीजिए दैट इज इक्वल टू पाई की जगह डिवाइडेड बाय इंटो रेडियस दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय से देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमीसीफियर फाइव बाई टू वही मैंने यहाँ पे लिखा इंटो हाइट ये हाइट किसकी है सिलेंड्रिकल पोर्शन की दैट इज इक्वल टू नाइन ठीक है प्लस टू into रेडियस that is इक्वल to फाइव divided by टू अब यहाँ पे इनको आप सॉलो कीजिए इसके बाद ब्रैक नाइन प्लस टू यहाँ पे कैंसल टू यहाँ पे यहाँ पे हमारा फाइव रह जाएगा अब यहाँ पे हम इसको और सॉलो करेंगे यहाँ पे हमारा रह रहा है 110 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट का मतलब होता है हमारा इंटू तो यहां पे नाइन प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू फोर्टीन यहां पे आप इसको थोड़ा बहुत कट कीजिए so टू जो हमारा मेजरमेंट है दैट इज एम एम में तो यहां पे आएगा एम एम स्क् क्योंकि हम एरिया निकालते हैं एरिया के लिए स्क्वायर आता है तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे कल हम इसके क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट करेंगे